नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के आठवें दिन पूजी जाने वाली देवी महागौरी की। माता महागौरी का स्वरूप और उनकी महिमा अद्वितीय है, आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। नवरात्रि के आठवें दिन हम माता महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी का अर्थ है महान और श्वेत। उनका यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता महागौरी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और वृषभ पर सवार दिखाया जाता है। उनके चार हाथ होते हैं, जिनमें से एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगाजल से स्नान कराया, जिससे उनका रंग अत्यंत कोरा हो गया और वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि माता महागौरी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। माता महागौरी की पूजा में श्वेत वस्त्र, सफेद फूल और सफेद मिठाई का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त जन व्रत रखते हैं और माता की आरती करते हैं। माता को नारियल, पान, सुपारी और सिंदूर अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के आठवें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की उपासना की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता गौरी का वाहन बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। महागौरी की पूजा करने से अन्न धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी चार भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। एक पौराणिक कथा के मान्यता अनुसार पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने दयाभाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने के प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। तो दोस्तों, यह थी माता महागौरी की कथा और उनकी महिमा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माँ महागौरी।